आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। तनाव होते ही कहां गायब हो जाते हैं अमन के तथा कथित झंडा बरदार। साल भर मची रहती है प्रशासनिक अधिकारियों को माला पहनाने की होड़। जब कोई अप्रिय घटना घटती है तो दुबक जाते हैं घरों में। होली, रामनवमी, मुहर्रम और ईद में लग जाती है बाढ़। हर पर्व पर चमकाते हैं चेहरा, लेते हैं सर्टिफिकेट। आजाद सिपाही के विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। आज हम बात कर रहे हैं उन तथा कथित अमन के पैरोकारों की, जो साल भर राजधानी और राज्य में अमन, शांति एवं भाईचारगी की मिसाल पेश करने के नाम पर डीसी, एसपी और तमाम बड़े पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों को माला पहनाते हैं। उनकी नज़रों में शांति के दूत बन जाते हैं। होली, रामनवमी, मुहर्रम और ईद में प्रशासन से चरित्र प्रमाण पत्र लेते हैं और फिर अपने धंधे में जुट जाते हैं। जब शहर में कोई अप्रिय स्थिति उत्पन्न होती है तो ये तब तक दिखाई नहीं देते जब तक तनाव कम नहीं हो जाता या फिर उस इलाके में प्रशासनिक अधिकारियों का हुजूम नहीं उमड़ जाता। जब सुरक्षा बलों के जवान सख्त रुख अपनाते हैं तो ये फिर अपने घरों से लकदक कपड़ों से बाहर निकलते हैं और शांति समिति की बैठक की वकालत करने लगते हैं। दरअसल इनका मकसद कहीं से भी शांति स्थापना करना नहीं होता, बल्कि अपने उन समर्थकों को बचाना होता है जिनकी भूमिका उत्पात में होती है। ये शांति समिति की बैठक थानों में करने की वकालत इसलिए करते हैं ताकि उन्हें थाने से ये सूचना मिल सके कि इस उत्पात में उनके किस समर्थक का नाम है और कैसे उसके नाम को FIR से निकाला जाए। आजाद सिपाही मेन रोड की 3 घटनाओं का प्रत्यक्षदर्शी रहा है, जब रांची की अमन शांति को कुछ गुंडों ने, लफंगों ने बिगाड़ने की पुरजोर कोशिश की। उसमें पहली घटना है जब हिंदू समाज के कुछ ठेकेदारों ने एक अवसर विशेष पर मेन रोड से जुलूस निकाला और उस जुलूस में माइक पर ऐसे गाने का प्रसार किया जो मुस्लिम समाज के लोगों को ठेस पहुँचा रहा था, लिहाजा जुलूस को रोका गया और तनाव फैल गया। ये सिर्फ रे वहाँ से भाग निकले, लेकिन उसके बाद मेन रोड में जो कुछ हुआ वो रांची के माथे पर कलंक था। उसके बाद दूसरे धर्म विशेष के तथा कथित शांति के दूत सड़कों पर उतरे और सड़क पर मजमा लगा दिया। वहां से आम लोगों का आना जाना बंद कर दिया, पत्थरबाजी शुरू कर दी, दुकानों में तोड़फोड़ शुरू कर दी। उनका गुस्सा फोटोग्राफरों पर भी फूटा जो उनके कृत्यों को अपने कैमरे में कैद करने की कोशिश कर रहे थे। कैमरा छीना जाने लगा, फोटोग्राफर को पीटा जाने लगा, किसी तरह उसकी जान बची। हाल के दिनों में रांची के मेन रोड, राजेंद्र चौक और डोरंडा में एक नई परिपाटी का जन्म हो गया है। जब भी बवाल होता है तो कुछ लफंगे मुंह पर रुमाल बांधे अपने कुकृत्य को अंजाम देने लगते हैं और जैसे ही मीडिया के लोग उनके घिनौने कृत्य को कैमरे में कैद करने लगते हैं वे उन पर हमला बोल देते हैं, उनका कैमरा छीन लेते हैं या उनके मोबाइल पटक देते हैं। उनकी मंशा यही होती है कि किसी भी तरह से उनका चेहरा कैमरे में कैद ना हो। कारण कैमरे में कैद हो गया या वीडियो बन गई तो पुलिस उन्हें जेल भेज सकती है, लिहाजा उनका एक ग्रुप तोड़फोड़ करने लगता है और दूसरा ग्रुप उन लोगों पर नजर रखने लगता है जो फोटो खींच रहे होते हैं। दूसरी घटना भी मेन रोड में ही घटित हुई, जब भारतीय जनता युवा मोर्चा का एक जुलूस मेन रोड से निकला। वो जुलूस डेली मार्केट थाना के पास पहुंचा ही था कि विरोध शुरू हो गया। उसके बाद जो कुछ हुआ वो पूरी रांची जानती है, रास्ता जाम, पत्थरबाजी, मारपीट और घेराव। उस घटना में पुलिस तक को नहीं बख्शा गया, पुलिस वालों ने भाग कर अपनी जान बचाई। और तीसरी घटना शुक्रवार को मेन रोड में ही घटी, जब देर शाम वहां की सड़कों पर उत्पातियों का कब्जा हो गया। देखते ही देखते हजारों की संख्या में भीड़ सड़कों पर सैलाब की तरह उमड़ आई और पूरी सड़क को अपने कब्जे में ले लिया। फिर तो उसकी इजाजत के बिना कोई वहां से आ जा ही नहीं सकता था। अगर किसी ने अनजाने में उधर से जाने की कोशिश की तो उसकी ऐसी पिटाई मानो उनके क्षेत्र में कोई दुश्मन देश का जासूस घुस आया हो या फिर जानी दुश्मन। उसी कुकृत्य की सजा भुगत रहे हैं विवेक और दीपक। दुकान बंद करके घर जा रहे थे, उन्हें ये पता भी नहीं था कि मेन रोड में क्या हुआ है। जैसे ही वो भीड़ के पास पहुंचे उन पर दुश्मन देश के शत्रु जैसा हमला कर दिया गया। हद तो देखिए कि किसी भी अमन पसंद व्यक्ति ने भीड़ से ये नहीं पूछा कि भाई उस निर्दोष को क्यों मार रहे हो। वो तो ऊपर वाले की करम देखिए कि पुलिस आ गई और वे बच गए, वरना राज्य की शांति का क्या होता ऊपर वाला ही जानता है।
यहाँ हम उल्लेख करना चाहेंगे कि इन तीनों घटनाओं के समय तत्काल उस जगह विशेष पर शांति समिति के तथा कथित दूत नहीं पहुंचे और उत्पाती अपने मकसद में कामयाब हुए। जब शांति स्थापित हो गई तो शांति समिति के पैरोकार गंगा चमुनी संस्कृति के रक्षक और हिंदू मुस्लिम एकता के तथा कथित झंडा बरदार अपने घरों से लकदक कपड़े में बाहर आए और फिर शुरू हो गया चेहरा चमकाने का खेल। दो घटनाओं में तो आजाद सिपाही ने इन शांति समिति के तथा कथित लोगों को दुबकते और फिर दहाड़ मारकर निकलते देखा है। अभी तीसरी घटना के बाद ऐसा अवसर उनके हाथ नहीं आया है। दरअसल शांति समितियों में ऐसे लोगों की भरमार है जो अशांति फैलाकर अपना चेहरा चमकाना चाहते हैं और फिर शांति बहाल करने के नाम पर पुलिस प्रशासन की नजरों में अपने को शांति दूत के रूप में स्थापित कर लेते हैं, फिर माला पहनाकर उनका विश्वास जीतते हैं। उसके बाद साल भर उनकी दलाली जारी रहती है। साल भर थानों में उनको देखा जा सकता है। केस मुकदमों में पैरवी करना ही उनका मुख्य पेशा है। रांची में कम से कम 12 चेहरे ऐसे हैं जो हिंदू और मुसलमान के शांति दूत होने का तमगा लटकाए हुए और उस सर्टिफिकेट के सहारे साल भर दलाली करते हैं। कई अवसरों पर तो ये तथा कथित शांति के पैरोकार खुद ही तनाव उत्पन्न करवाते हैं और फिर उसे खत्म करवाने के नाम पर एक बार पुलिस प्रशासन का विश्वास जीतने में जुट जाते हैं। शुक्रवार की जो घटना घटी इसे रांची को अशांति में झोंकने के इरादे से ही अंजाम दिया गया, क्योंकि 4 महीना बाद रांची में चुनाव है। ऐसे में इस तरह की घटनाओं की शुरुआत हो गई है। इस घटना में कम से कम 3 लोग ऐसे हैं जिनके बारे में पुलिस प्रशासन से लेकर मीडिया तक को यही पता था कि ये सचमुच में समाज के हितैषी हैं, शांति स्थापित करने में आगे रहते हैं। लेकिन इस बार इन तीनों चेहरों ने घिनौना खेल खेला है। ऐसे और भी चेहरे हैं जो आम दिनों में शांति के पैरोकार के रूप में सामने आते हैं, लेकिन जैसे ही हिंदू और मुस्लिम के बीच किन्हीं बात को लेकर तनाव उत्पन्न होता है, वे सिर्फ और सिर्फ जाति का लपाता ओढ़ लेते हैं और अपने अपने जाति के उत्पातियों और लफंगों की पैरवी करने लगते हैं। अब समय आ गया है जब ऐसे चेहरों को बेनकाब किया जाए। यहाँ एक बड़ा सवाल यह है कि आखिर झारखंड में इन शांति समितियों की जरूरत ही क्या है? क्या शांति समिति के सदस्यों का काम सिर्फ पर्व त्योहार के मौके पर DC SP को माला पहनाकर फोटो खिंचवाना और अखबारों में छपवाना है? क्या सिर्फ गंगा चमनी तहजीब को लेकर लंबी चौड़ी बातें करना? एक बड़ा सवाल ये भी है कि घटना कहीं भी हो मजमा रतन टॉकीज के निकट ही क्यों लगता है? ऊपर जिन तीनों घटनाओं का जिक्र किया गया है वे तीनों घटनाओं का डरावना चेहरा यहीं देखने को मिला है। शुक्रवार की घटना में कांग्रेस के एक नेता की बड़ी चर्चा हो रही है। लोग आश्चर्य कर रहे हैं कि आखिर वो सिर्फ एक समुदाय विशेष के कैसे हो गए। उनके सांप्रदायिक सौहार्द की भावना की तो लोग मिसालें पेश किया करते थे, अब अचानक उनकी भूमिका बदल कैसे गई? लोग इसके पीछे भी राजनीति की ही ओर इशारा कर रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारियों को भी आत्ममंथन करने की जरूरत है। आखिर उन्हें कुछ लोग फूल माला क्यों पहनाते हैं? उन्हें माला पहनाने वाले कौन हैं और इसे किस तरह अपने हित में इस्तेमाल करते हैं? माला पहनाने वालों में क्या कोई ऐसा चेहरा है जो इस तरह के बवाल के दौरान भी सक्रिय दिखता है? आखिर DC SP को माला पहनाकर अखबारों में फोटो खिंचवाकर ये लोग संदेश क्या देना चाहते हैं? साल भर इन तस्वीरों का इस्तेमाल ये अपने चेहरे चमकाने में करते हैं। इन दिनों देखा जा रहा है कि इस तरह की बेकाबू भीड़ का पहला निशाना फोटोग्राफर या अपने मोबाइल में तस्वीर खींचने वाले बनते हैं। मतलब साफ है, भीड़ में शामिल ऐसे तत्व अपना चेहरा छुपाना चाहते हैं, अपनी पहचान छुपाकर वे इस आग को हवा देना चाहते हैं ताकि शहर अशांत हो जाए और उनका नाम भी नहीं आए। ऐसे में इस तरह की शांति समितियों के सदस्यों और पदाधिकारियों का दायित्व नहीं बनता कि वे ऐसे तत्वों की पहचान कर सामने लाएं, कानून के हाथ सौंपें ताकि गंगा चमनी तहजीब बची रहे। आजाद सिपाही के खबर विशेष में अभी इतना ही। खबरों की और भी अधिक जानकारी के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही और आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।